हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, हिमाचल जी के हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक जिला कुल्लू से रिलेटेड है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, कुल्लू रियासत की स्थापना किस शासक ने की थी? विच रूलर फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ कुल्लू? भिंगम मणिपाल ने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। पाल वंश का था भिंगम मणिपाल और इसके जो पूर्वज थे वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के रहने वाले थे। भिंगम मणिपाल ने कुल्लू रियासत की पहली राजधानी जगतसुख स्थापित की। जगतसुख कुल्लू रियासत की पहली राजधानी थी। नेक्स्ट है, कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कुल्लू? राजा जगत सिंह कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा था और उसने अपने राज्यकाल में कुल्लू की सीमाएँ दूर दूर तक बढ़ा ली थी। नेक्स्ट है, कुल्लू आने वाले प्रथम यूरोपियन यात्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर टू विजिट कुल्लू? मूर क्राफ्ट कुल्लू आने वाले प्रथम यूरोपियन यात्री थे जो 1820 ईस्वी में कुल्लू आए थे। बात करें अगर हम थॉमस कोरियाट की, तो कांगड़ा आने वाले पहले यूरोपियन यात्री थे थॉमस कोरियाट, जो 1615 में यानी कि 1615 ईस्वी में कांगड़ा आए थे। तो कुल्लू आने वाले प्रथम यूरोपियन यात्री थे मूर क्राफ्ट और कांगड़ा आने वाले प्रथम यूरोपियन यात्री थे थॉमस कोरियाट। नेक्स्ट है, कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वायसराय टू विजिट कुल्लू? लॉर्ड एल्गिन कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय थे। कब आए थे ये? 1863 में, 1863 ईस्वी में ये कुल्लू आए थे। नेक्स्ट है, हिडिंबा देवी मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? इन विच स्टाइल हिडिंबा देवी टेम्पल इज बिल्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिडिंबा देवी टेम्पल पैगोडा शैली में बना है। जिला कुल्लू के मनाली में है हिडिंबा देवी मंदिर, इसे ढूंगरी देवी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने की थी, राजा बहादुर सिंह ने। और यहाँ पे मेला भी लगता है हिडिंबा देवी के जन्मोत्सव पर, हर साल 14 से लेके 16 मई तक 3 दिन के लिए यहाँ पे मेला लगता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो महोत्सव होता है, जो मेला लगता है हिडिंबा देवी मंदिर में, वो कितने दिन के लिए होता है? 3 दिन के लिए होता है। कौन से महीने में लगता है? मई महीने में, 14 से लेके 16 मई तक। हिडिंबा देवी मंदिर जिला कुल्लू के मनाली में है, पैगोड़ा शैली में ये बना हुआ है। 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मई महीने में यहाँ जो है मेले का आयोजन होता है 3 दिन के लिए, 14 से लेकर 16 मई तक। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान जिला कुल्लू में है, जिसकी स्थापना सेप्टेम्बर 1961 में हुई थी। इसे अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान भी इसे कहा जाता है और इसके पहले निर्देशक थे हरनाम सिंह। हरनाम सिंह इसके पहले निर्देशक थे और 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, खोखन वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जिला कुल्लू में है। खोखन वन्यजीव अभयारण्य जिसकी स्थापना 1954 में हुई और जिसका क्षेत्रफल 14 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा जो अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जिला कुल्लू में, वो हैं कायस, कनावर, मनाली, सेंज और तीर्थन। कायस वन्यजीव अभयारण जो है ये 14.919 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना 1954 में हुई। कनावर जो वन्यजीव अभयारण है इसका क्षेत्रफल 61 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना भी 1954 में हुई। मनाली वन्यजीव अभयारण का जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना भी 1954 में हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंज वन्यजीव अभयारण की, तो 90 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 2010 में सेंज वन्यजीव अभयारण का विलय ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में कर दिया गया। सेंज वन्यजीव अभयारण जिसका क्षेत्रफल
90 वर्ग किलोमीटर था और 1994 में उसकी स्थापना हुई थी। 2010 में इसका विलय जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में कर दिया गया। बात करें अगर हम तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य की, तो तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 61 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना जो है 1994 में की गई थी। इसका भी 2010 में तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य का भी 2010 में विलय जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में कर दिया गया। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, वेयर इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिला कुल्लू में है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अब वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाने की घोषणा की गई है और कितना बढ़ा दिया जाएगा, 3,120 वर्ग किलोमीटर से किया जाएगा, जिसके साथ ही ये देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन जाएगा। 3,120 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल किया जाएगा और जिसके साथ ये देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन जाएगा। इंदर किला नेशनल पार्क भी जिला कुल्लू में है और खीर गंगा नेशनल पार्क भी जिला कुल्लू में है। अब जो है खीर गंगा नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क जो लाहौल स्पीति में है, रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का विलय जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में किया जाएगा। नेक्स्ट है बिजली महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, वेयर इज बिजली महादेव टेंपल लोकेटेड। बिजली महादेव मंदिर जिला कुल्लू में है। बिजली महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो है शिव की जो पिंडी है वहाँ पे बिजली गिरती है। इसके अलावा जो जिला कुल्लू में अन्य मंदिर हैं वो भी हम एक बार देखेंगे। हडिम्बा देवी मंदिर हमने पहले ही डिस्कस किया, जिला कुल्लू में है। हडिम्बा देवी मंदिर कुल्लू के मनाली में है। 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने हडिम्बा देवी मंदिर की स्थापना की थी। पैगौड़ा शैली में बना है हडिम्बा देवी मंदिर। रघुनाथ मंदिर की स्थापना राजा जगत सिंह ने की थी, भगवान राम को समर्पित है रघुनाथ मंदिर। आदि ब्रह्मा मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। आदि ब्रह्मा मंदिर का संबंध जो है भगवान ब्रह्मा से है और ये जिला कुल्लू के खोखन में है। पैगौड़ा शैली में बना है ये आदि ब्रह्मा मंदिर। मनु ऋषि मंदिर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मनु ऋषि जो मंदिर है ये मनु ऋषि का एकमात्र मंदिर है जो लकड़ी का बना हुआ है और ये पुरानी मनाली क्षेत्र में है। जामलू मंदिर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुल्लू के मलाना गाँव में है जामलू मंदिर और महर्षि जमदिगिन से संबंध है इस मंदिर का। नेक्स्ट है अंजनी महादेव मंदिर जो है ये कुल्लू के मनाली में है, भगवान शिव को समर्पित है। सियाली महादेव मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा गायत्री मंदिर ये कुल्लू के जगतसुख में है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। श्री चिदंबरम ऋषि ने जो है गायत्री मंदिर बनवाया था। इसके अलावा दुर्गा मंदिर भी है जगतसुख में। दुर्गा मंदिर जो है ये सेंज में है, कुल्लू के सेंज में है। और जगतसुख में एक मंदिर है गौरी शंकर मंदिर। कुल्लू के जगतसुख में दो इम्पोर्टेंट मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर और एक गायत्री मंदिर। और जो दुर्गा मंदिर है ये सेंज में है। महाभारत काल में पांडवों ने इसका निर्माण करवाया था। एक और है मोस्ट इम्पोर्टेंट विश्वेश्वर महादेव मंदिर कुल्लू के बजौरा में है। नेक्स्ट है जालोरी दर्रा कहाँ स्थित है, वेयर इज जालोरी पास लोकेटेड। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है जालोरी दर्रा कहाँ स्थित है। ये कुल्लू के सिराज में है, ये कुल्लू में ही आंतरिक सिराज से बाहरी सिराज को जोड़ता है। जालोरी दर्रा आंतरिक सिराज को
बाहरी सिराज से जोड़ता है। नेक्स्ट है सोलंग नाला, फोजल नाला, मलाना नाला और राहनी नाला कौन से जिले में बहते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट डू सोलंग नाला, फोजल नाला, मलाना और राहनी नाला फ्लो। जिला कुल्लू में बहते हैं ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हम बात करेंगे सोलंग नाला की। सोलंग नाला का स्रोत है ब्यास कुंड। फोजल नाला जो है ये कुल्लू क्षेत्र का सबसे भयानक नाला है, क्योंकि इसमें बाढ़ आती है जिससे भारी नुकसान होता है। और जो राहनी नाला है ये ब्यास नदी में मिलने वाला पहला नाला है। नेक्स्ट है भुंडा उत्सव कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स भुंडा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। 12 वर्षों के बाद भुंडा उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? कुल्लू के निरमंड में। कुल्लू के निरमंड में भुंडा महोत्सव जो है, भुंडा जो उत्सव है मनाया जाता है 12 वर्षों के बाद। भगवान परशुराम से संबंध है इसका। पहले इसे नरमेघ यज्ञ कहा जाता था। भुंडा उत्सव को नरमेघ यज्ञ भी कहा जाता था। कुल्लू में जिसे भुंडा उत्सव के नाम से जानते हैं, शिमला में उसे सांत नाम से और मंडी में इसे भोज नाम से जानते हैं। मंडी के कुछ क्षेत्रों में जो है इसे भोज उत्सव को मनाया जाता है। शिमला के कुछ क्षेत्रों में सांद उत्सव को मनाया जाता है और ये भी 12 वर्षों बाद ही मनाए जाते हैं। तो कुल्लू का भुंडा उत्सव, शिमला का सांद और मंडी का भोज जो है ये 12 वर्षों बाद मनाए जाते हैं, जो शिमला और मंडी के कुछ क्षेत्रों में जो है ये उत्सव मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है लालचंद प्रार्थी कला केंद्र कहाँ स्थित है। वेयर इज़ लालचंद प्रार्थी कला केंद्र लोकेटेड। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ये। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सेब का पहला बगीचा किसने लगाया था। हु प्लांटेड द फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड इन हिमाचल प्रदेश। कैप्टन आर सी ली ने हिमाचल प्रदेश में सेब का पहला बगीचा 1870 ईस्वी में कुल्लू घाटी के बुंदरोल में लगाया था। हिमाचल प्रदेश में सेब का पहला बगीचा कब लगाया गया था? 1870 ईस्वी में। कहाँ पे? कुल्लू घाटी के बंदरोल में। किसने लगाया था? कैप्टन आर सी ली ने लगाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें अलेक्जेंडर काउटिस की, तो 1887 ईस्वी में जिला शिमला के मसोबरा में पहला बगीचा लगाया गया था। अगर बात करें हम शिमला की, तो शिमला में पहला बगीचा 1887 में मसोबरा में लगाया गया था। किसने लगवाया था? अलेक्जेंडर काउटिस ने। सैमुअल इवांस टोकस ने जो है 1918 में कोटगढ़ में जो है अमेरिकन किस्म के सेब लगाए थे। नेक्स्ट है नेहरू कुंड और रुद्रनाग कहाँ स्थित है। वेयर इज नेहरू कुंड एंड रुद्रनाग लोकेटेड। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेहरू कुंड जो है भृगु झील के पानी से बना है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो है इस कुंड का नाम नेहरू कुंड रखा गया और ये मनाली में है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी को और किस नाम से जाना जाता है। वाई व्हाट अनदर नेम इज़ द कुल्लू वैली नोन। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर हम बीरभूमि की, तो कांगड़ा घाटी को बीरभूमि के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा घाटी को और चंबा घाटी को शहद की घाटी या दूध की घाटी भी कहा जाता है। चंबा घाटी को और रावी घाटी भी। चंबा घाटी को रावी घाटी, शहद की घाटी या दूध की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुल्लू उपमंडल को कब कांगड़ा से अलग कर पंजाब का जिला बनाया गया। व्हेन द कुल्लू सब डिवीज़न वॉज कार्व्ड आउट ऑफ कांगड़ा एंड मेड अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब 1963 में। और कुल्लू ज़िले का कब पंजाब से हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ। 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है कुल्लू जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं। हाउ मैनी असेंबली सीट्स आर देयर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुल्लू जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा सीटों के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं जिला कांगड़ा की। जिला कांगड़ा में 15 विधानसभा सीटें हैं। उसके बाद है मंडी में, जिला मंडी की हैं 10 विधानसभा सीटें। शिमला की हैं 8 विधानसभा सीटें। इसके बाद कुल्लू की हैं 4, बिलासपुर की भी हैं 4 विधानसभा सीटें। लाहौल स्पीति और किन्नौर की एक एक विधानसभा सीटें हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर की
एक एक विधानसभा सीटें हैं। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट बचती हैं उन सभी की पांच पांच विधानसभा सीटें हैं। एग्ज़ाम में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, तो कुल्लू में कितनी विधानसभा सीटें हैं, चार हैं, उन सबसे ज़्यादा है। कांगड़ा की 15, मंडी की 10, शिमला की 8, बिलासपुर की 4 हैं, कुल्लू की भी 4 हैं, लाहौल स्पीति की 1 है, किन्नौर की भी 1 है, और बाकी जो सब डिस्ट्रिक्ट बस्ती हैं उन सभी में पाँच पाँच विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है, दुधौन ग्लेशियर कौन से जिले में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट दुधौन ग्लेशियर लोकेटेड, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है दुधौन ग्लेशियर और पार्वती ग्लेशियर जो कि कुल्लू घाटी में स्थित है, उनकी लंबाई 15 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाया, हु ब्रॉट द आइडल ऑफ रघुनाथ जी फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू, दामोदर दास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दामोदर दास जो है रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लाया था 1651 में, और कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना 1653 में राजा जगत सिंह ने की थी, राजा जगत सिंह ने। फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, थैंक यू, कीप वॉचिंग।